नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बाजार के फंडामेंटल टेक्निकल हैं क्या, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो खाने के तेल की कीमतों में तेजी आई थी, उस तेजी पर आज ब्रेक लगा है। 4% मलेशिया वायदा में पाम तेल का भाव लुढ़का है। और हालांकि इस हफ्ते पाम तेल गिरा है, लेकिन महीने भर में करीब करीब 20-21% की तेजी पाम तेल की कीमतों में आई है। तो अब सवाल यह है कि एडेबल ऑयल के दाम अब जाएंगे कहां? क्या दाम यहां से ऊपर जाएंगे, कम होंगे, या इसी भाव के आसपास बने रहेंगे? इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और साथ ही इमामी एग्रोटेक के CEO भी हैं। तो सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस के स्टूडियो में। हम आपसे सवाल पूछें उससे पहले, आपको आज आपका बर्थडे है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्मदिन के मौके पर आप स्टूडियो आए हैं, इसके लिए आपको डबल शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अभी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन इंडिया में है एडेबल ऑयल को लेकर? थैंक यू जा साहब, एंड माई प्लेजर टू बी हियर। एंड एक मार्केट को अगर हम देखेंगे तो एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड रहा काफ़ी देर तक, 40-50%। उसके बाद मार्केट वॉज वेरी हाईली वॉलेटाइल। नाउ आई थिंक इट इज़ इन ए कंसोलिडेशन फेज। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। अगर एक एक ऑयल देखेंगे, सोयाबीन ऑयल टुडे इज आज अबाउट $1,455 है, एंड वेर एज पाम ऑयल इज़ अबाउट $500 चीपर दैन सोया। एंड जैसे आपने सुना है कि सन ऑयल का डिसरप्शन, थोड़ा बहुत क्राइसिस टाइप का डेवलप हो रहा है सन ऑयल सप्लाई चेन में। आई थिंक ये सब देखते हुए मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज और कंसोलिडेशन फेज में था। और एक क्या हुआ कि जब डाउनवर्ड ट्रेंड था मार्केट में, तो इंडिया का और काफ़ी देशों का पाइपलाइन एकदम ड्राई हो गया था। तो अभी पाम ऑयल स्पेशली की डिमांड, जैसे आपने देखा है 1-1.2 मिलियन टन्स इंडिया में इम्पोर्ट होने लगा था। इससे क्या हुआ कि इंडोनेशिया का जो प्रेशर है, स्टॉक का जो प्रेशर है, वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि मलेशिया में अभी भी एंड स्टॉक 2.3-2.4 मिलियन टन्स माना जाता है। तो आई थिंक मार्केट विल बी ए लिटिल बिट ऑन द साइडवेज, बट अंडरटोन आई थिंक स्पेशली फॉर पाम ऑयल इज़ फर्म। एंड सन ऑयल का और सोयाबीन ऑयल का हमको उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि प्राइस को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद दाम बहुत तेज़ी से बढ़े। इंडोनेशिया ने बैन कर दिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को, बहुत तेज़ी से दाम ऊपर गए, लेकिन उसके बाद उसी रफ्तार से दाम नीचे भी आए और मार्च की ऊंचाई से करीब करीब 50% दाम गिर गए थे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि 20-21% की तेज़ी आई है पिछले एक आध महीने में। यहाँ से अगर मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, तो क्या रिटेल में दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? देखिए, रिटेल में जैसे मैंने बताया था कि 170-180 रुपीज़ का जो दाम है पाम का, 120 रुपीज़ हो गया था, लेकिन अभी 5-6 रुपये बढ़ेगा जरूर, क्योंकि 15% अभी मार्केट बढ़ा है। तो आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलेगा इंडियन मार्केट। अच्छा, लेकिन इसमें हमको ये भी देखना है कि करेंसी फैक्टर भी है इसमें, क्योंकि 72-73 का जो फॉरेक्स है, व्हेन द डॉलर इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल द करेंसीज अलॉन्ग विद रुपी हैज बिकम वीक, तो उसमें भी 10% का कॉस्ट बढ़ाने के हिसाब से जब 82 हो गया रुपी, तो वो भी एक 10% में हमको गिनना चाहिए। और बाकी इंडोनेशिया में टेम्परली थोड़ा फ्लडिंग सिचुएशन है। इंडिया में मानसून इज वेरी गुड मोर ऑर लेस, ओनली इन नांदेड, लातूर एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सोयाबीन क्रॉप का थोड़ा कंसर्न है, बट ओवरऑल आई थिंक वी आर वॉकिंग इन टू नवम्बर एंड द खरीफ सीजन, एंड वेर इन आई हियर दैट अबाउट 5 लाख टन्स ऑफ मील एक्सपोर्ट
the export commitments have already been done, which means that the Indian soybean market is in par with the international market. And so I think right now we are balanced and supply is very good. Demand is also very good. I think this was, as you know, this Diwali was the highest spending ever in the last two, three decades. Okay. In Diwali, festival is good, and again we have a lot of wedding season. आप ये कह रहे हैं कि 5 से 6 रुपए प्रति लीटर सारे तेलों के दाम बढ़ने वाले हैं? बढ़ेगा स्पेशली पाम एंड क्योंकि ज्यादा तेजी तो पाम में ही आया है। और बाकी मस्टर्ड में और सोया तेल में? मस्टर्ड इज फर्म, मस्टर्ड ऑयल जो फैग एंड ऑफ सीजन, न्यू क्रॉप इज ओनली इन मार्च, सो मस्टर्ड इज गोइंग टू बी फर्म ओनली, क्योंकि हम सीड प्राइसेस देख रहे थे, मस्टर्ड का MSP इज 5450 पर क्विंटल आफ्टर द इंक्रीज, करंट मार्केट इज ऑपरेटिंग एट 6800, ओके, सो देयर इज अ वाइड गैप। ये तो 8000 भी गया था ना सर? हाँ, तो ये तो 8000 भी गया था, तो अभी मस्टर्ड ऑयल इज गोइंग टू बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट लाइक ऑलवेज, क्योंकि हम फिर नया सीजन आने पर। आप डिटेल में बताइए अलग अलग तेलों के। आपने कहा कि पाम के दाम 5 से 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे, मस्टर्ड के? मस्टर्ड का मेरे ख्याल से स्टेबिलाइज ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, ऑलरेडी 15 रुपए ज्यादा है सोयाबीन ऑयल। सोया तेल, सोयाबीन ऑयल भी स्टडी रहेगा क्योंकि पाम से ऑलरेडी 4-5 सौ। सोया तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, मस्टर्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे, पाम के दाम बढ़ेंगे, राइस ब्रांड और ग्राउंड नट वगैरह वो सब पाम के हिसाब से बराबर चलेंगे, वो सब पाम के बेंचमार्क के हिसाब से चलेंगे। पाम के हिसाब से राइस ब्रांड भी बढ़ेंगे, ग्राउंड नट भी बढ़ेंगे? हाँ जी। कितने ग्राउंड नट? क्योंकि खरीफ क्रॉप इस बार भी बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, तो ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड दे आर नॉट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल, तो उनका डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड के हिसाब से वो, क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में जाएंगे मस्टर्ड का, तो इवेंचुअली 5-6 रुपए उसमें भी बढ़ेगा, ग्राउंड नट में भी और मस्टर्ड में भी। आपका ब्रांड तो सिर्फ मस्टर्ड है ना सर? इमामी नहीं, सारी है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ओके, तो जो ऑयल बिकता है वो सब के लिए ब्रांड है अपने पास। पाम नहीं है, पाम का है, काफी है, पाम में बढ़ाएंगे आप? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पाम प्लेयर इन द कंट्री। पाम में बढ़ाएंगे आप दाम? जैसे इंटरनेशनल बढ़ेगा तो बढ़ाना तो पड़ेगा। तो मतलब सुधाकर जी खबर ये दे रहे हैं, क्योंकि सुधाकर जी का परिचय जैसा कि अभी हमने आपको कराया कि IBPA के प्रेसिडेंट तो हैं ही, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, इमामी एग्रोटेक के CEO भी हैं, हेल्दी टेस्टी और बेस्ट चॉइस, ये दो ब्रांड इनका है जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी ये बात बहुत अहमियत रखती है कि जब ये कह रहे हैं कि मस्टर्ड के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, सोया तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पाम तेल के दाम बढ़ेंगे, और पाम तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको राइस ब्रांड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल पर भी दिखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा मुझे ये बताइए कि अब ये बात हो रही है, चूंकि हालांकि अब चूंकि दाम बढ़ गए हैं तो थोड़ी सी डिमांड कम आने लगी है, लेकिन डिमांड अभी भी है। बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वक्त आ गया है, ताकि जो ऑयल सीड के फार्मर हैं उनको अच्छा भाव मिले, सोयाबीन की क्रॉप आ रही है मार्केट में, ग्राउंडनट की क्रॉप आ रही है, उनको अच्छा प्राइस मिले, इसके लिए जरूरी है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में अब बढ़ोतरी हो जाए। इससे आप सहमत हैं? आपकी भी यही डिमांड है या आपकी राय कुछ अलग है? नहीं, हम तो देखिए बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये ड्यूटी रूमर्स बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए डे टू डे, क्योंकि ऑलरेडी स्पेकुलेटिव मार्केट है। हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस, MRP मतलब रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखते हुए गवर्नमेंट को एक टेबल जैसा, स्लैब डायनेमिक ड्यूटी जैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर ड्यूटी चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए आज के दिन में, बिकॉज एमएसपी ऑफ अगेंस्ट एमएसपी ऑफ 5450 मस्टर्ड प्राइसेस आर सो हाई एंड फार्मर इज गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस एंड सोयाबीन ऑयल इज 4300 MSP एंड मार्केट इज ऑपरेटिंग एट 5250, आई डोंट थिंक एट दिस जंक्चर ड्यूटी इंक्रीज इज रिक्वायर्ड, बट समथिंग टू वॉच, मतलब उसको वॉच करना है, बहुत ज्यादा मार्केट गिरेगा जो कि मेरे को इतना पॉसिबिलिटी नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई ऑलरेडी मेंशन। और एक चीज एक मेंशन करना है मेरे को कि ड्यूटी का, इंडियन ड्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्लोबल मार्केट्स आल्सो। जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है, 2-3 महीने में इंपोर्ट जो पाम का जो होता है उसमें 20-25% जो है वो रिफाइंड पाम ऑयल आ रहा है, जबकि इंडिया में बहुत ज़रा कैपेसिटी है। तो अगर ड्यूटी बढ़ाना ही है तो आई थिंक वी शुड इंक्रीज इट द ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम प्रोडक्ट। अच्छा, तो क्रूड और क्रूड जितना आएगा इंडिया में, देखिए सीपीओ पे नहीं बढ़ाए, दोनों का डिफरेंशियल आज के दिन में 8.5% है, उसको 15-20% करने से क्या होगा? अच्छा, उतना क्रूड ऑयल आएगा और उतना इधर इंडिया में रिफाइनिंग चलेगा और उतना इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। तो अगर ड्यूटी बढ़ाना ही है तो पहले रिफाइंड ऑयल को हम लोग थोड़ा जान दे दे, बट पर से
क्रूड ऑयल में आज के मार्केट के हिसाब से क्रूड ऑयल में ड्यूटी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्रूड ऑयल में जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो बाकी इंडस्ट्री वाले आपसे नाराज हो जाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि जरूरत है। देखिए अल्टीमेटली होगा वही है कि जो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा इवेंचुअली। बैलेंस इज द वर्ड, यू नीड टू बैलेंस, यू कैन नॉट रन आफ्टर ओनली कंज्यूमर एंड ओनली फार्मर, यू नीड टू बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। ओके, तो वो क्योंकि हम लोग 70% डिपेंडेंट है, इट इज इंपोर्ट ड्रिवन, ग्लोबल ड्रिवन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू गो बाय द ग्लोबल मार्केट। राइट, एक छोटा सवाल आपसे और कि ये तो ठीक है इंपोर्ट ड्यूटी की बात हमने कर ली, डिमांड सप्लाई की बात कर ली, अब एक डिमांड ये हो रही है कि अब इस मार्केट पर जो अलग अलग तरह के प्रतिबंध जो कैप लगाए गए थे उसको धीरे धीरे हटा लिया जाए, मसलन जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी उसको अब हटाने की डिमांड हो रही है, फ्यूचर ट्रेड जो ऑयल सीड का सस्पेंड किया गया था कीमतों में तेजी की आशंका को देखते हुए उसको कहा जा रहा है कि फिर से उसको बहाल किया जाए, वायदा शुरू किया जाए, आप सहमत हैं? आप IBPA सहमत है कि हाँ जो ऑयल सीड का फ्यूचर है उसको शुरू करने का वक्त आ गया है, स्टॉक लिमिट हटा देना चाहिए? वेरी थ्री इम्पॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन जा साहब, हम लोग तो रेगुलर मीटिंग्स में रहते ही है गवर्नमेंट के भी, जब गवर्नमेंट को कंसर्न था हाई प्राइसेस का तो हम लोगों ने काफ़ी हमारा मेंबर्स ने इंडस्ट्री ने कोऑपरेट किया है। तो इशू इज़ कि वट एवर ड्रास्टिक स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर एट द टाइम ऑफ प्राइस रैली, देर आर मेजरली थ्री, स्टॉक कंट्रोल एंड डोमेस्टिक एक्सचेंजेस को जो बंद कर दिया है, और दूसरा मेजर है ड्यूटी जो कम कर दिया है। तो उसमें जब इंडोनेशिया का बैन हुआ जैसे आपने बताया, यूक्रेन क्राइसिस हुआ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक कंट्रोल जो था लागू था उसको निकाल देना चाहिए। 50 टन पर डीलर इज वेरी वेरी लो इन टूडेज वर्ल्ड, एंड ऑल्सो द डोमेस्टिक एक्सचेंजेस, देखिए इतना बड़ा फॉल हुआ आपने खुद देखा है, अगर डोमेस्टिक एक्सचेंज होता बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को चैनल को थोड़ा हेज करने के मौका मिलता है, और आज के दिन में इतना बड़ा क्रॉप अपना आ रहा है तो उसको जब मिलर्स और प्रोसेसर्स खरीदेंगे सो दे नीड नॉट, दे कांट एक्सपोर्ट एट ए टाइम, सो दे नीड टू यूज द एक्सचेंज। सो फॉर ए रोबस्ट इंडियन इंडस्ट्री आई थिंक वी डोंट नीड, वी कैन रिमूव द स्टॉक कंट्रोल्स, वी नीड टू ब्रिंग बैक द डोमेस्टिक एक्सचेंजेस टू क्रिएट ए hedge mechanism for all the players including processors, retailers, big captive players, allied industry players, aqua players, poultry players. So I think eventually we need to make exchanges very robust. Okay. And also we need to create say that it will go for long term. On and off say वो क्या liquidity फिर बढ़ेगा नहीं. Okay. So we need to make a long term opportunity of domestic exchange being the largest buyer in the world. Okay. बात करते हैं सोने और चांदी की, जहां पर आज गिरावट का माहौल बना हुआ है क्योंकि डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है, उसका इंपैक्ट हमने बुलियन के ऊपर देखा है। इस वक्त भी आप देखिए करीब करीब 350 रुपए नीचे MCX पर गोल्ड, और चांदी का भाव 500 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में भाव $1,650 के नीचे आ चुका है गोल्ड का। अजय जी आप बताइए सर, आज शाम के कारोबार में क्या बुलियन की ये गिरावट, सोने चांदी की ये गिरावट और बढ़ सकती है? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली देख जी, ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है वो सोने चांदी के लिए सपोर्ट कर रहा है। आज लोअर लेवल से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, उसकी वजह से मॉर्निंग से ही मार्केट साइडवे टू नेगेटिव है, बट 111 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। और मुझे लगता है शाम के सेशन में थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है तो 50,300 के करीब सोने को वापस लेके चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जो 50,600 से 50,700 तक का लेवल दिखा देगा। इंटरनेशनल में हम समझते हैं $1,644 से $1,640 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा ये आप कह रहे हैं, 50,300 के लेवल पे आपने गोल्ड में बाइंग की राय दी है, 50,700 का टारगेट, 50,100 का स्टॉप लॉस। जतिन जी सिल्वर में क्या किया जाए आपके हिसाब से आज? इनलाइन व्यू है, जिस हिसाब से मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन दिया था लास्ट वीक, हमने देखा था कि प्राइस एक्शन जो है अभी लेवल्स जो है वो करीब करीब उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जहां पे हमने लास्ट वीक प्राइसेस को देखा था। तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले 24 आवर्स में सेलिंग आई है सिल्वर में, यहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी वाइज लग रही है। मुझे लग रहा है प्राइसेस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और इवनिंग सेशन में मुझे नहीं लग रहा है 57,400 के नीचे स्लिप होंगे, तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय करने की सलाह रहेगी मेरी। हायर लेवल्स पे 58,300, 58,400 के टारगेट्स के हिसाब से इंट्राडे पर्पस में बाय करके चलना चाहिए इवनिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में आपको करना क्या है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की, और क्रूड का मार्केट भी आज दबाव में ट्रेड कर रहा है।
कच्चा तेल भी दबाव में है, जो तेजी आई थी वो तेजी अब क्रूड की गायब होती हुई दिख रही है। अजय जी, क्रूड में करीब करीब 1% की नरमी है और 7,300 के नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। एग्जैक्टली इस भाव पर क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे सिल्वर क्रूड में? देखिए, क्रूड में सबसे बड़ा इवेंट है वो अगले हफ्ते है कि ओपेक मेंबर प्रोडक्शन कट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट आएगी मार्केट के अंदर। आज मॉर्निंग से साइडवे जरूर कर रहा है, मुझे लगता है करंट लेवल से थोड़ा सा वेट करके 72-40 के करीब लेके चलिए, जो हायर साइड में वापस 7400 का लेवल रीगेन कर लेगा, ओके तो बाय वन ड्रॉप की रणनीति में भी रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर गिरावट पर बाइंग की स्ट्रेटजी कच्चे तेल में बनानी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा क्रूड ऑयल पे सवाल है कि इंट्राडे में क्रूड ऑयल में क्या किया जाए? इंट्राडे में क्रूड में क्या किया जाए? जतिन जी बताइए एग्जैक्टली इस भाव पर आज शाम तक के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड क्रूड में लेना ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से जो गैप जो डाउन हुआ है आज मार्केट में, ये फिल होना चाहिए। मुझे लग रहा है जो अभी जो हम लाल निशान में देख रहे हैं क्रूड को, ये एक फ्लैट जोन पे आना चाहिए एक बार के लिए। 7330-7340 के लेवल्स जो है वो एक बार के लिए छूने जा सकता है ऊपरी स्तरों पर, तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए अगर बाय साइड में। अगर सेल साइड की स्ट्रेटजी बनानी है तो एक बार जब ये गैप फिल हो जाता है उसके बाद अगर प्राइस एक्शन वहां से ऊपर की तरफ नहीं चलता है, फिर उसके बाद 7375 के स्टॉप लॉस से सेल करके चल सकते हैं और नीचे में 7250 के टारगेट रख सकते हैं। तो दोनों तरफ की जो रेंज है वो ट्रेड होते हुए देखने मिल सकती है। बहुत ज्यादा हायर एस्केलेशन भी नहीं देख रहा हूं मैं बियॉन्ड 7400, और लोअर साइड में 7250 के बियॉन्ड भी नहीं देख रहा हूं नीचे में। ठीक है, अगला सवाल मनप्रीत का है। पूछिए मनप्रीत जी। सर केडीए जी से सवाल पूछना चाहूंगा, 275 जिंक में आएगा क्या नवंबर में? 275 जिंक का भाव नवंबर के महीने में आएगा क्या? अभी मार्केट है 266 पे, बताइए केडीए जी। देखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, पिछली बार भी हमने देखा कि 260-62 के करीब भाव सपोर्ट लेकर उठा और हमने 272 तक के भी लेवल क्रॉस करते हुए देखे। टाइमिंग चाइना से कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में बार बार में दबाव बन रहा है, बट नवंबर मिड तक की बात करें तो डेफिनेटली 275-276 का लेवल मिल जाएगा, होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि चाइना कोशिश कर रही है कि स्टिमुलस लेके आए और मुझे लगता है कि अगर ये मिलता है तो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा, तो नवंबर मिड तक 275 का लेवल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल राम का है, गुजरात से है हमारे साथ। पूछिए राम जी। हाँ मेरा अजय जी से सवाल है, कॉपर के 600 के नीचे जाएगी आगे जाके? कॉपर 600 के नीचे? हाँ। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 600 के नीचे चला जाए कॉपर? नहीं, वीक डिमांड वीक है इसलिए मितेंद्र जी। मतलब आप चाहते हैं कि जाए या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, शॉर्ट करना है इसलिए। अच्छा ठीक है, बताइए अजय जी, 600 के नीचे कॉपर को देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है 600 के नीचे टाइमिंग जाए मार्केट, पहले एक बार बाउंस रहेगा जो करीबन 685-690 जो हमने लास्ट टाइम 2 महीने पहले देखा था वहां तक दिखा सकता है, बिकॉज इन्वेंट्रीज को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर थे, बट आप संघाई में देखिए प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं अभी भी और न्यू ईयर हॉलीडे चाइना में आने वाली है, तो जनरली हम ये पीरियड में डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है पहले 685-690 तक जाएगा, वहां से फिर हो सकता है मार्केट में गिरावट मिले, बट टाइमिंग ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि जो 600 का लेवल इमीडिएटली दिखा दे कोई। ठीक है, अगला सवाल है जतिन जिगर का, गुजरात से हमारे साथ। पूछिए जिगर। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। मैंने 50-600 पे एक लॉट गोल्ड बाय किया, क्या करूं, निकल जाऊं या मैं यहां? 50-600 पर आपकी बाइंग है, अभी भाव 50-500 के नीचे है। जतिन जी क्या रुकना चाहिए, मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, या क्या सुझाव आपका? देखिए पोजिशनल वाइज अगर लिया हुआ है तो बिल्कुल भी ना डर, प्राइसेस जो है 49,500 के नीचे तो बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा है कि अभी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में जाएंगे, और हायर साइड में 51,000 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेंगे उसके बाद नेक्स्ट हर्डल 51,500-700 इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर डे ट्रेडर है और एक से दो दिन के व्यू पॉइंट के हिसाब से लिया है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पर्पज से लिया है, तो मैं स्विंग स्टॉपर्स रन करता हूं 300 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं हायर साइड पे 50,700-750 के टारगेट्स के लिए एम करें और वहां पर अपना प्रॉफिट्स बुक कर लें। ओके, अगला सवाल है किशन का, गुजरात से है। पूछिए। मेरा सवाल एल्युमिनियम और जिंक पर है जी, मुझे उस पर राय चाहिए इंट्राडे के लिए। एल्युमिनियम जिंक, दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स हाई लेवल पे था तो मेटल पे दबाव था, तो अभी तो नीचे आ गया, तो अभी भी जो दबाव है उसको समझ लेना। बात आपकी सही है,
डॉलर का इम्पैक्ट तो है ही मार्केट के ऊपर, लेकिन बाकी फैक्टर भी है ना, चूंकि डिमांड आप देखिए चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, वहाँ पर कोविड को लेकर लॉकडाउन सख्ती लगातार बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। डिमांड के मोर्चे पर तो मार्केट के सामने चैलेंज अभी है, लेकिन ठीक है। अजय जी बताइए, जिंक और एल्युमिनियम इसमें अभी क्या करना ठीक रहेगा? देखिए, जिंक एल्युमिनियम डेफिनेटली चाइना और यूरोप से काफी इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एनर्जी क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन में कमी देखी, लेकिन साथ में डिमांड कंसर्न भी बने हुए, जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे नहीं, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मिंग है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आज प्योरली इंट्राडे की बात करें तो थोड़ा बहुत पुल बैक है मार्केट में, जो 264 के करीब ले सकते हैं, 268 269 तक का जंप जिंक में मिल जाएगा। एल्युमिनियम में ऑलरेडी हमने काफी बड़ा करेक्शन देख चुके हैं, तो आई थिंक 198 का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके करीब लेके चलिए 201 से 202 तक का एक वापस पुलबैक देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।